हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति एंड वेलकम टू स्वातिज किचन एंड लाइफस्टाइल। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। तो टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा किचन शॉपिंग हॉल। तो इससे पहले भी मैं दो वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और उस वीडियो में भी मैंने सिमसिम के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस वीडियो में भी मैं सिमसिम का जो हॉल है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। सिमसिम मुझे इसके लिए कुछ पैसे नहीं देती है। सिमसिम के ऊपर भी मेरा खुद का एक स्टोर है, वहाँ पे मैं चीज़ें ऑर्डर करती हूँ और उसका यूज़ करके दिखाती हूँ, एप्लीकेशंस बताती हूँ उसके, और उसके थ्रू आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। मेरी दी गई हुई लिंक से आप परचेस करेंगे तो मुझे उसका थोड़ा सा बेनिफिट होगा। जो चीज़ें 500 रुपये में मिलती है, 1000 रुपये में मिलती है, वो आपको उसी प्राइस पे मिलेगी, आपका उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। बट मेरा फ़ायदा ये है कि आपकी दी आपने जो चीज़ परचेस की है ना, उसका एक एफिलिएट लिंक क्रिएट हो जाता है और उसमें से कुछ परसेंटेज मुझे मिल जाता है। जो लोग पहले से ही मुझे सिमसिम के ऊपर फॉलो करते हैं तो थैंक यू सो मच, और जो लोग नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं नई नई वीडियोज़ के लिए, नए नए प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं लेकर आई हूँ सिमसिम से, वो है ये कॉपर की बॉटल्स। मैंने इसके पहले वीडियोस में भी दिखाया था व्लॉग्स में, तो आप में से बहुत सारे पूछ रहे थे कि आपने ये कहाँ से लिया। इसके ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है, अलग साइजेस में है, एक 1 लीटर की है और ये जो है ये थोड़ी छोटी है, 750 ml की है। तो काफ़ी सुंदर है दिखने में, आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी आपको बहुत सारी कलर वैरायटीज मिल जाएंगी, डिज़ाइन भी आपको मिल जाएंगे। तो ये कॉपर से बनी हुई है, अंदर का जो मटेरियल है वो कॉपर का बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये कॉपर की बनी हुई है, ढक्कन भी कॉपर का ही है। रीजनेबल प्राइस में आपको वहाँ पे मिल जाएगा सारा सामान। इसके अंदर आपको और भी डिज़ाइन वैरायटीज मिल जाएंगी। मैंने कॉम्बो सेट लिया था 2 का, तो अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं तो सिंगल भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट लिया है मैंने ये 3 का सेट हंडी, देख सकते हैं कितना सुंदर है, अलग अलग है। इसके ढक्कन में निकाल लेती हूँ 1 मिनट। तो ये अलग अलग साइज़ में है, ये सबसे छोटा है और उसके बाद ये वाला है और ये नेक्स्ट है। ये हांडी सेट है, 3 का, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। तो डाइनिंग टेबल के ऊपर काफ़ी सुंदर लगता है, जब भी हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, ग्रेवी वाली सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी अगर आप निकाल के रखना चाहते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर, गेस्ट के सामने सर्व करने के लिए रखना चाहते हैं इस तरह के बर्तन, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। तो इसके लिए मैंने ये लिए है। इसके अंदर आपको 2-3 कलर वैरायटीज़ मिल जाएंगी, बहुत सारी मिल जाएंगी, बट मैंने जिस लिंक से लिया है वहाँ पे 3 कलर वैरायटीज़ थे। मैं आपको लिंक दे दूँगी सिमसिम का नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ चेक कीजिएगा। तो ये 3 का सेट लिया है स्टेनलेस स्टील का, काफ़ी सुंदर है, हैवी मटेरियल है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है ये। इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है ये प्लास्टिक के 18 कंटेनर का सेट, ये पूरा प्लास्टिक का है। इसके अंदर भी आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, जबकि फ्रिज में कुछ सामान रखना हो या फिर हस्बैंड को टिफ़िन में कुछ स्नैक्स देना हो पैक करके, तो उसके लिए ये काम आते हैं। और अच्छे मटेरियल से बने हुए हैं, BPA फ्री है और इसके अंदर आपको 18 पीसेस मिलेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर आप क्या क्या रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं या फिर आपका नमकीन है वो रख सकते हैं, बड़े बड़े मुरमुरा वगैरह ये सारी चीज़ें रहती है वो रख सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें हमें फ्रिज में रखनी होती है छोटी मोटी, जैसे कि धनिया हो गया, हरी मिर्च हो गई, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ें इस कंटेनर में आप रख सकते हैं आराम से, अच्छे से स्टोर हो जाती है फ्रिज में। हमें इस तरह के डब्बों की ज़रूरत पड़ती ही है। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी हमारे घर पर गेस्ट आते हैं या फिर हमारे बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं, तो उनको हम कुछ सामान पैक करके देते हैं, पैक करने के बाद वो डब्बा उधर ही गायब हो जाता है, वापस नहीं आता है। तो इसके लिए इस तरह के डिब्बे अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि अगर गायब भी हो गया ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वापस नहीं आया तो भी चलता है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिए है प्लास्टिक के बाउल, सर्विंग बाउल से, ये भी जिस तरह से मैंने आपको स्टेनलेस स्टील की दिखा है उस तरह से ही ये प्लास्टिक के सर्विंग बाउल्स है। ये 3 का सेट है अगेन, तो इसके अंदर ये 2 जो है ना, वो जो है वो सेम साइजेस के हैं और इसके अंदर 3rd वाला जो रहता है वो थोड़ा छोटा सा है। तो आप देख सकते हैं इसका ऊपर का जो ढक्कन है वो इस तरह से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है और ये ब्लू कलर का बाउल है इस तरह से।
आप देख सकते हैं। और इसको पकड़ने के लिए इस तरह से हैंडल भी दिया गया है और ये इस तरह से बंद होता है। ओके, तो ये जो होल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप चम्मच रख सकते हैं। तो ये स्पून के साथ आता है, आपको 3 स्पून मिलते हैं और 3 प्लास्टिक बाउल्स मिलते हैं, जिसमें कि 2 सेम साइज़ के हैं और एक थोड़ा सा छोटा है। तो आपको मैं इमेज यहाँ पे डाल दूँगी, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर ये। नेक्स्ट मैंने लिया है ये ग्रिलर, इसको अच्छा यूज़ किया है मैंने, आप देख सकते हैं। रोटी को सेकने के लिए या फिर पापड़ को सेकने के लिए इस तरह का आप ग्रिलर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है और बहुत ही स्टेडी है। इसका जो स्टील का मटेरियल है वो बहुत ही स्टेडी है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ हैंडल भी दिया गया है तो पकड़ने में आसानी होती है, तो बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत यूज़फुल लगा तो मैंने ये ले लिया। नेक्स्ट मैंने लिया है ये कटलरी सेट, इसके अंदर आपको 24 पीसेस मिलेंगे, जिसमें कि 4 जो रहता है वो 6 मिलेंगे, डेजर्ट स्पून मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको 6-6 की क्वांटिटी में मिलेंगी। तो ये मैंने रेड कलर में लिया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो आपको और सारी कलर वैराइटीज़ मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं सिम के साइड के ऊपर।